पता होने चाहिए, और वर्ग हर किसी को पता होते हैं कि 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 3 का 9, ऐसा करके 16, 25 जो भी हैं, तो 20 तक तो नॉर्मली कोई जितना भी ना हो, सभी 15-20 तक तो हर किसी को याद होते हैं, कितना भी फर्जी से फर्जी स्टूडेंट यहाँ बैठा होगा, बेकार से बेकार भी, सबको पता होता है कि 20 तक वर्गों से आगे के भी पता होते हैं, और नहीं भी पता है तो निकालने का तरीका कल भी बताया था, वो निकाल भी सकते हैं। अब बात आती है कि 140 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे। देखो सर, तुम ये देखो कि 140 जो है वो किस अंडर रूट के निकट आता है, किस पूर्ण जिसका संख्या का पूरे का वर्ग आता हो उसके किसके निकट आता है। तो देखो सर, 12 का अगर जो हम वर्ग करेंगे ना तो 144 जाता है, 12 का वर्ग करेंगे तो, और सोचो इससे पीछे, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया, इससे पीछे चलो जरा इधर 11 पे, क्योंकि हमें इससे पहली संख्या तो 11 पता है, 11 पे हम जाएंगे तो वो 121 जाता है, इन दोनों के बीच का मान लेंगे कितना हो जाएगा, बीच का मान, इन दोनों के बीच का मान, इन दोनों के बीच का मान कितना होगा, कितना फालतू है इससे, अरे माध्य निकालने का मतलब या तो जोड़ के निकाल दो या इन दोनों का अंतर निकाल के आधा जोड़ दो। तरीका क्या होता है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ से और 40 तक तो हो जाएंगे तुम्हारे कितने, 19 और 4 ये 23, समझ लो, 23 का जब आधा करेंगे, आधा मतलब इनके बीच का मान लेना चाह रहे हैं, इन दोनों के बीच का मान यहाँ, तो 23 का जब आधा करेंगे तो वो 11.5 हो जाएंगे, 11.5 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5, अगर 32.5 होता ना तो ये देखो इधर 11 के और 5 के बीचों बीच का मान होता, यानी कि 11.5 का वर्ग होता ही, 11.5 का वर्ग होता ही। अब जरा हमें जो निकालना है, हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 140 का, तो अब सोचो अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे चलें, थोड़ा 2-2 के अंतर पर चलो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें 5 अंतर आ रहे हैं हमारे, देखो इधर 6, 7, 8, 9, ये 6, 7, 8, 9 और इधर संख्याएं जो है ना वो हमें 132 से 144 में डिवाइड करनी है, सोच लेना, ये भी बता रहा हूँ तो तुम्हें ऐसा लंबा सा मेथड लगेगा, लंबा नहीं है ये, तो सिर्फ बिना पेपर के किए हुए दिमाग में सोचने से आ जाएगा, बिना पेपर के किए हुए। अभी क्या है, यहाँ हमारे पास 4 संख्याओं का अंतर है और इधर जो अब हमारे पास संख्याओं का अंतर है लगभग 11 का, या मान के चलो चलो 12 का, तो यहाँ 3-3 के अंतर पर चलनी चाहिए, 3-3 के अंतर पर, यानी कि 11.6 होगा ना, 11.6 का वर्ग होगा, तो यहाँ 3 जोड़ दो वो 135 का हो जाएगा। अगर यहाँ 11.7 का होगा तो वो इसमें 3 जोड़ दो, यहाँ 138 के आसपास हो जाएगा। अगर यहाँ 11.8 आ जाएगा ना तो यहाँ 103 और जोड़ दो, 41 के आसपास आ जाएगा, और 11.9 होगा तो ये पूरा 143 के आसपास पहुँच जाएगा, 43, 42, 42 ऐसा करके, और जब पूरा 12 हो जाएगा तो वो 144 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि यार अगर हमसे, जैसे हमारे पास 11.9 लिखा गया, सोचोगे अब हमारे पास तक चल गया, हमारा जो मान है वो 140 या 141 है, यानी कि कहाँ जाके मिलेगा हमें, 8 पे, ये 11.8 आंसर जो इसका अंडर रूट सही है, समझ गए। और अगर किसी ने बाय मिस्टेक ऐसा लिख दिया कि यार मुझसे 11.9 लिखा गया, क्योंकि तो मैंने ये सोच लिया, देखो ऐसा सोच लिया कि भाई 144 40 के निकट है, 144 जो 40 144 के निकट ही है, तो 144 12 का वर्ग है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि 11.9 का हो जाएगा, तो भी गलत नहीं है, क्योंकि जब 11.8 निकाला होगा ना तो आगे की संख्या 6 से ऊपर ही आई होंगी, जब 7 तक अंक लगाएंगे ना तो 1 जोड़ेंगे तो वो भी फिर 9 हो जाएगा, 7 तक अंक से आगे के मान जब लाएंगे तो भी ये 9 हो जाएगा, तो अगर जो 11.9 आया तो भी सही हो जाएगा, 11.8 आया तो भी सही हो जाएगा। ये होता है किसी भी चीज़ का अंडर रूट निकालने का तरीका। अभी तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये बड़ा सा अजीब सा लगा, अभी नहीं है, अभी जब समझाया है तो लगा है, अब दिमाग में जरा सोचो, दिमाग लगाना है और सोचना है कि हर कोई जानता है 64 का वर्ग क्या होता है, मतलब 64 किसका वर्ग होता है, तो हर किसी को पता है 8 का होता है, हर कोई बता देगा। अभी किसी ने पूछ लिया 63 का अंडर रूट निकालो, हिल गया मोहल्ला, बस नहीं यहीं आके बिछड़ जाते हैं, हिल गए भाई साहब, तो फटाक से एकदम जाने चाहिए कि 64 का है, यानी कि 8 से थोड़ा सा ही कम होगा, 7.9 का मान होगा, चेक कर लो। अभी जरा मैं कोई पहुंचाया ना, यार भाई 61 का मान बता ना, हाँ 7.8 होगा। पीछे पीछे कहाँ तक आना है हमें, हमें आना है अगर ये 49 हो जाए जैसे ये, तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा। अभी कोई पूछ ले कि 64 के 49 के बीच में कोई पूछ ले 55 का वर्ग कितना होगा, तो बीच का मान है तो 7.5 का मान होगा। अब कोई कहे 1-2 पॉइंट हमारा इधर उधर जाएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो 7 अंक लगा के पूरा हो जाए। अगर किसी ने 7.5 आ रहा था 7.4 लिख दिया, तो इसका मतलब आगे का अंक जो है वो तुम्हारा 9
सात कुछ ऐसा होगा, जैसे हम इसे छोड़ेंगे मतलब पाँच से ज़्यादा होगा, फर्स्ट टाइम पढ़े थे सात तक अंक, पाँच से ज़्यादा होगा, अगर जो छः भी होगा ना तो छः को छोड़ देंगे और इसे पाँच कर देंगे। तो जो कम भर्ती भी होता है थोड़ा बहुत तो वो एग्जाम में चल जाता है, लेकिन करेक्ट आंसर आया था बिना सॉल्व किए हुए, बिना अंडर आउट निकालते हुए, जो तुमने मेथड देखे एक छोटा सा अंडर आउट निकालने में तुम्हें लगभग लगभग 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, यानी कि 5 से 10 मिनट का मतलब है कि तुम 3 नंबर का एक सवाल खो बैठोगे एक छोटे से कैलकुलेशन करने में, जो कि 1 नंबर की कैलकुलेशन होगी। तो ऐसे सवाल जो होते हैं वो सवाल को देखो और फटाक आंसर लिख दो, कैसे हो जाएगा फिर दोबारा समझो। देखो इधर अभी जरा मैं किसी ने पूछ लिया भाई 16 जो है वो किसका अंडर आउट होता है, हर कोई 4 का होता है। अभी किसी ने 17 का पूछ लिया तो भाई साहब 4.1 आ जाएगा। अभी किसी ने 18 का या 19 का पूछ लिया, 18 का पूछ लिया तो ना 4.2 आ जाएगा। अभी 20 का पूछ लिया तो 4.4 के आसपास आ जाएगा। अभी क्यों जाना है, अब ये भी याद रखना क्योंकि 25 से आगे मत पहुंच जाना, कभी तुम सोचोगे यार अभी हम 24 पर पहुंच गए और अभी भी 4.6 ही चला रहे हैं, क्यों, क्योंकि जस्ट इससे अगली संख्या 25 जो होगी वो 5 का अंडर रूट होगा और 6 में और 5 में बहुत अंतर हो गया, क्योंकि जैसे ही तुम 24 पर पहुंचोगे ना 24 पर तो 24 जो है वो लगभग 5 के निकट पहुंच चुके हैं, तो वो किसका वर्ग होगा, वो लगभग 4.9 के आसपास होगा, क्योंकि अगली संख्या 25 है और वो 5 का वर्ग तैयार खड़ा है। इतना भी अंतर मत लगाना, मतलब एक आध दो पॉइंट का अंतर बता रहा हूँ, एक पॉइंट का अंतर बता रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है 2-3 पॉइंटों का अंतर कर देंगे हम, समझ में आ रहा क्या हो रहा है। अब तुमसे कितने बड़े से बड़ा जैसे कोई अंडर रूट पूछेगा, अभी क्या है कि हमें पता है 196 किसका वर्ग होता है 14 का, धुएं निकल जाएंगे भाई साहब अगर जो किसी ने 195 का पूछ लिया तो पूरा दिन बैठ के निकालोगे दशमलव लगा लगा के, और किसी ने पूछ लिया दशमलव के 2 स्थानों तक बताओ तो भाई साहब कोई बहाना बनकर बस अभी आ रही हूँ और थोड़ी देर में अभी मिलता हूँ देख दीजिए, तो मिलेगा भी ना क्या होगा। अरे भाई साहब सोचने की जरूरत है, पेपर वर्क थोड़ा ना करना है, दिमाग में होना चाहिए 96 14 का वर्ग है, ले 13.9 का या निकाल ले, ना आए तो बात है, आएगा गारंटी आएगा। और ये क्या होता है, ये सवाल ये कोई यार ये ट्रिक कहाँ मिल गई या कहाँ से बनाई, ये बनाई नहीं, ये कहीं मिलती नहीं है, ये दिमाग में जब किसी चीज़ को ज़्यादा देते घूर के देखा जाता है, इसके बारे में ज़्यादा सोचा जाता है तो ये ट्रिक अपने आप निकलती है अपने आप। अब तुम बड़े से बड़ी संख्या का जितने ज़्यादा तुम वर्ग याद करोगे उतनी बड़ी संख्या का वर्ग मान सॉल्व कर दोगे, जितने बड़े से बड़े मान, समझ गए। अभी जैसे तुम्हारे पास जो है वो 625 है, हर किसी को पता 25 का वर्ग है, जरा मैं किसी नाम से 620 का मान पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई साहब ये 24.9 का आसपास वर्ग होगा। अब क्योंकि जब बड़ी संख्याएं होती है ना तो अंतर भी बड़ा बड़ा चलता है फिर, अब ऐसा नहीं है कि ये 625 है, 625 का 624 होगा तो 24.9 होगा, नहीं फिर 24.9 ऐसा होगा, 9 9 ऐसा करके आगे को भी संख्याएं होंगी फिर, क्योंकि वो जस्ट इसके निकट ही आ रहा है। अब जैसे वो बजा के जब सोचोगे ना कि एक बार रखो कैलकुलेटर, एक बार रखो अपना दिमाग, कैलकुलेटर में नंबर डाल दो भाई साहब टाइम लग जाएगा, दिमाग से फटाक से आंसर निकल आएगा, कैलकुलेटर से भी तेज स्पीड, और ना है तो मुझे बता देना जाके भाई साहब। अगर तुम 140 का जैसा मान निकाल लेते ना, 140 में 140 अंडर रूट लगा के और फिर जब उसके कॉल दबाओगे ना, जब तक आंसर लिख चुके होगे कॉपी में तुम सोच के, लेकिन ये वो सोच सकता है जिसे मैं समझाना चाह रहा हूँ और समझ वो सकता है जिसे अंडर रूट, अंडर रूट के वर्ग याद है किसी भी चीज़ के, क्योंकि बिना वर्ग के सहारे के हम चल नहीं रहे हैं। हमारे पास 2 बैसाखी हैं, दुनिया में कोई भी मान जिसका अंडर रूट निकल रहा होगा वो उन दोनों मानों के बीच में जरूर फंसेगा, कोई सी दो वर्गमूल संख्याओं के बीच में जरूर फंसेगा वो, ऐसा आज तक दुनिया में संख्या ही नहीं बनी जो 2 अंडर रूट संख्याओं के बीच में ना फंसे, समझ गए। कोई कहे कैसे नहीं फंसेगी भाई, अभी हमारे पास जैसे सोचो 75 आ जाए, कहाँ फंसा, ये 81 और 64 के बीच में फंस गया, यानी कि 8 के और 9 के बीच में फंस गया। अब ये भी देखना कि झुकाव किसकी ओर ज़्यादा है, 64 की ओर ज़्यादा मिलेगा या 75 इसकी ओर ज़्यादा मिलेगा, 81 की ओर ज़्यादा, क्योंकि इसमें 6 का ही अंतर है और इसमें कितने का अंतर है, इसमें लगभग 9 का अंतर है, समझ लो, यानी कि आधे से तो ज़्यादा है, जब आधे से ज़्यादा है तो हर किसी को पता आधे से ज़्यादा किसका मान होता है, अना आधे से ज़्यादा भाई साहब 8.6 मान होगा, समझ गए। अब कोई सोचे कि यार यहाँ 8.7 आंसर आ रहा है, जो कि कैलकुलेटर में 8.7 मान आएगा और तुमने लिख दिया 8.6, तो भाई साहब अगली संख्या को 6-7 ही होगी, जो कि 7 अंक लगा के तुम 8-7 कभी भी कर सकते हो, 7 अंक भी लग जाते हैं इसमें और उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी एग्जाम में तुम आंसर निकालने के लिए 0.1 स्थान तक ईमान बहुत होता है और ये काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो सिंपल सा हमारे पास सुपर फास्ट मेथड ये होता है किसी भी अंडर रूट को निकालने का, जो कि संख्या वर्गमूल नहीं है, कि भाई साहब किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का मान देख लो
और देख के हिसाब लगा लो। ये मेथड सिर्फ हिसाब किताब लगाने का, जिस पर दिमाग है वो चलाएगा, जिस पर नहीं है भाई साहब फिर वो वही वाला मेथड अपनाएगा जो कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ता आ रहा है। ठीक है, तो कोई सा भी अंडर रूट है आज जाना, घर पर जाकर ट्राई करके देखना, कैलकुलेटर भी रखना अपना मोबाइल या कैलकुलेटर से, और सॉल्व करके देखना कि जो मैं दिमाग चला रहा हूँ क्या एग्जैक्ट सही जगह पर चल रहा है या अभी भी मेरे एक दो पॉइंट इधर उधर मिस हो रहे हैं। ठीक है, और ये अभी तो वर्गमूल निकालने का तरीका, फिर घनमूल होते हैं, घनमूल के बाद में फिर बटे 4 वाली घात भी होती है, ये अभी तुमने सोचे भी नहीं होंगे। ये सारे मेथड, फिर वही वाली बात आ जाती है, ये सारे मेथड इंटर के बाद में कंपटीशन में तो डेफिनेटली काम आएंगे, और यहाँ तो काम आ ही रहे हैं तुम्हारे, जैसे यहाँ लग गया ऐसे ना कितने